Good morning friends, welcome to our official YouTube channel Basic English Concept School। जैसा कि हम लोग एल टी ग्रेस पे सीरीज चला रहे हैं, कई लोगों ने हमें कहा कि सर पोएम पे कुछ वीडियोस आने चाहिए, तो इसको लेके मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम टेड ह्यू की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जो है क्रो एलाइट, इस पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हमारी जो भी इससे पहले वीडियोस जैसे प्रोज पे, ड्रामा नॉवल पे आप देखना चाहें, मैं उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के डेट तो कन्फर्म ही हो चुकी आयोग के द्वारा, और वह डेट 29 जुलाई को फिक्स कर चुकी है, तो आइए हम इसी को ध्यान रखकर तैयारी करते हैं। ये हमारे टेड ह्यू महोदय हैं। बेसिकली इनका जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 1930 ईस्वी में हुआ था। आइए हम इनके जीवनी पे थोड़ा इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। टेड ह्यू महोदय के इंट्रोडक्शन क्या रहते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है इनका जन्म 17 अगस्त 1930 में हुआ था और ये अक्टूबर 28, 1998 में मर गए थे। इनकी इन्होंने दो शादियाँ की थी, याद रखिएगा, सिल्विया पाथ इनकी वाइफ रहती है, एक पोइट्रिस्ट भी रहती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी दूसरी बीवी जो रहती हैं कार्लोल और चैड, इनकी दूसरी बीवी रहती हैं। पेरेंट्स इनके एशिया वेवेल रहते हैं, चिल्ड्रन इनके फ्रेडिया ह्यू रहती हैं, इनकी जो चिल्ड्रन रहती हैं। इंट्रोडक्शन टू टेड ह्यूज़। देखिए टेड ह्यूज़ जो रहते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट इन द 20th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट रहते हैं, डोमिनेंट पोएट इन 1960s के, बहुत ही डोमिनेंट पोएट रहते हैं। इनोवेटर हु हैड हिज ओन पोएटिक वॉइस एंड पोएटिक टेक्निक ऑफ एनिमल सिंबोलिज्म, और इनकी अपनी एक आवाज़ रहती है। बेसिकली जितनी भी कविताएं लिखते हैं एनिमल को सिंबलाइज करके उनके एक सिंबल दे के लिखते हैं, जैसे कि इनकी पोएम पढ़ने क्रो अलाइट ने क्रो को लेके पूरी पोएम लिखा है। वो जो ऊपर से वो नरेटर रहता है क्रो को देखते हैं, डीपली इन्वॉल्व इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएचर, और बहुत ही डीप नज़र से वर्ल्ड के क्रिएचर छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि जूते में मिट्टी लगी है, अलमारी में खुला हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। आप आगे इस चीज़ को देखेंगे। अगला देखिए इंट्रोडक्शन में क्या, टेड ह्यूज वाज आल्सो फैसिनेटेड बाय एनिमल, और यह एनिमल के लिए, जैसा कि हम इस पोएम में क्रो एलाइट में क्रो को एनिमल की बात करते हैं, फॉक्स को लेके इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, इसको देखिए। ही यूजेज एन एनिमल एज ए सिंबल इज ऑलमोस्ट ऑफ द होल इज पोएम, मतलब सभी पोएम में उन्होंने एनिमल को लेके एक सिंबल यूज किया है। ही परसीव एनिमल एज ए मैजिक क्रिएचर डेट द रिप्रेजेंट द ट्रू वर्ल्ड, उनका मानना था कि जो क्रिएचर में एनिमल होता है वो वर्ल्ड को ट्रू रिप्रेजेंट करता है, सही में वास्तव में वास्तविकता देखता है। द नेचर ही यूज इन द लार्जली डिराइव फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, और जो इनका पक्षियों पंछियों प्रतिभा लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वहीं सीखे हैं, बेसिकली चाइल्डहुड में अपब्रिंगिंग के अंदर ये बीच पड़ गई थी। द नेचर ऑफ एन सिंबलाइज एन इमोशन फीलिंग और एन इंटेंजिबल इमेज इन ह्यू पोएट ह्यू पोएम्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उनकी जो पोएम रहती है उनकी इमेज इमोशंस फीलिंग वो काफ़ी डीपली नेचुरल वे में सिम्बलाइज करके दिखाते हैं। आइए हम आज की अपनी जो पोएम है क्रो एलाइट इस पर बात करते हैं, और ये काफ़ी छोटी और काफ़ी अच्छी पोएम है, इसको आप ध्यान से देखिए। मॉडर्निस्टिक वे में इसे दिखाया गया है कि कैसे हमारे कल्चर का पतन हो रहा है और कैसे एक क्रो को सिंबलाइज करके क्रो ऊपर से दुनिया को देख रहा है, उसके दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है। टेड ह्यू ने बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जाकर इस चीज़ को बताया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। देखिए क्रो एलाइट जो बेसिकली पोएम रहती है 1970 में पब्लिश होती है, क्रो एलाइट एक कलेक्शन उसका एक उसमें से लिया गया है, ठीक। आइए हम पोएम पे बात करते हैं, लाइन बाय लाइन मैं आपको पोएम पे डिस्कस करता हूँ। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन स्ट्रीमिंग द मॉर्निंग, देखिए बेसिकली जो टेडहेक रहते हैं उसके क्रो को एक सिंबलाइज करते हैं कि दुनिया कैसे देख रहा है, वह ऊपर उठ रहा है और ऊपर से इन चीज़ों को देख रहा है। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन स्ट्रीमिंग इन द मॉर्निंग एंड ही सॉ द सी डार्क स्पिंड विद द होल अर्थ इज क्वाइल, ही सॉ द स्टार फॉर्मिंग अवे इन टू द ब्लैक मशरूम ऑफ द नथिंग
the nothing forest, clouding their spur, the virus of God, and he saved with the horror of creation. देखिए क्या कह रहे हैं, क्रो ऊपर उठ रहा है, ऊपर से देख रहा है, क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन, हर्डेड माउंटेन झुंड होता है, ग्रुप होता है, पर्वतों के झुंड को देखता है बेसिकली, स्ट्रीमिंग इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह में उससे पहाड़ों पर जब आप जाएंगे कि देखेंगे सुबह के वक्त में वहाँ पे धुंधली धुएँ की तरह से जम जाता है, वह देखता है पहाड़ों का एक झुंड है उस, और सुबह के समय पे धुएँ वहाँ पे धुएँ एक टाइप के पहाड़ों के ऊपर से निकल रहे हैं। फिर आगे क्या देखता है क्रो, ही सॉ द सी, सी देख रहा है, समुद्र को देख रहा है, डार्क स्पिन, पूरा जो समुद्र तो बेसिकली नीला होता है लेकिन डार्क स्पिन काला पड़ गया है, विद द होल अर्थ इज क्वाइल, और जो पूरी पृथ्वी है क्वाइल राउंड है, राउंड 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 करके उसे सो को, क्वाइल मतलब बेसिकली चक्कीदार घेरा होता है, और उसे वह दिख रहा है कि पृथ्वी जो है बेकार हो गई है, बंजर हो गई है, समुद्र भी क्या हो गया, डार्क एंड स्पिंड हो गया है, ऊपर से उड़ते हुए वो इस सब चीज़ों को देख रहा है। आगे क्या करता है, सॉ द स्टार्स, वो स्टार्स को देखता है दिन में, फॉर्मिंग अवे इन टू द ब्लैक, और वो भी स्टार्स भी कहते हो गए ब्लैक हो गए, मशरूम ऑफ द नटिंग फॉरेस्ट, और जंगलों पे जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं उस पर मशरूम फुफूद, जिसे हिंदी में हम लोग फुफूद कहते हैं, फुफूद उग गए हैं, उस चीज़ को देखता है। आगे नथिंग फॉरेस्ट जंगलों में, क्लाउडिंग द स्पोर, वो अब स्पोर की तरह हो गए, द वायरस ऑफ गॉड, जो इस सब चीज़ों को जन्म दे रहा है, इनके जन्मदाता को देखता है, एंड ही सेव्ड, और वह कांप जाता है इस दृश्य को देख के, कांप जाता है कौन, क्रो, विद द हॉरर ऑफ द क्रिएशन, और इस प्रकृति की बनाई हुई डरावनी क्रिएशन को, इस जो हो गए हैं दुनिया का पतन जो हो रहा है उसको देख के वो कांप जाता है, सिवियर कर जाता है, सिवियर मतलब कांपना होता है बेसिकली। इस चीज़ को देखिए, क्रो ऊपर उड़ रहा है, पर्वतों को ढूंढ को देखता है, धुएं भरी बादलों को देखता है, समुद्र को देखता है जिसका पानी ब्लैक डार्क हो गया है, अर्थ को देखता है जो बंदर हो गई है। इस शुरू की हमारी लाइनें हैं जो शुरू की। अब आइए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इस पोएम का उस पर बात करते हैं। उसके आगे क्या देखता है क्रो, इन द हेलुसिनेशन ऑफ हॉरर, और हॉरर के हेलुसिनेशन को भी देखता है, ही सॉ दिस शू विथ नो सोल रैन सडन लेइंग ऑन अ मोर एंड देयर वाज दिस गार्बेज कैन बॉटम रस्टेड अवे ए प्लेइंग प्लेस ऑफ द विंड इन वेस्ट ऑफ पडल। अब देखिए क्या कह रहा है, इन द हेलुसिनेशन ऑफ द हॉरर, हॉरर का हेलुसिनेशन, ही सॉ दिस शू, वो जो जूते को देखता है विथ नो सोल, जिसमें सोल नहीं है, देखिए कितने गजब का सिंबलाइज करते हैं, जूते को देखता है जिसमें सोल नहीं है, रैन सडन, और जो बारिश होने के बाद मिट्टी उट्टी के सडन तुरंत थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, लेइंग ऑन द मोर, और जूते में क्या है, मिट्टी उट्टी पूरा क्या है लगी हुई है, एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, और देखो उस गार्बेज कैन को, बॉटम रस्टेड अवे, और वो गार्बेज का डिब्बा जो है बॉटम पे उसमें जंग लग गया है, पूरा एकदम बेकार हो गया, जंग लग गया है, ए प्लेइंग प्लेस फॉर द वुंड, और वहाँ पे इतना सन्नाटा है कि धूल बड़ी आंधियाँ चल रही हैं, इन द वेस्ट ऑफ पडल, और वहाँ केवल हवा ही हवा है और कुछ नहीं है। अगले लाइन में देखिए, देयर वाज दिस कोट इन द डार्क कपबोर्ड इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस, देयर वाज दिस फेस स्मोकिंग इट्स सिगरेट between the dusk window and the fire embers near the face this hand motionless near the hand this cup crow blink he blink nothing faded he stared at the evidence nothing escaped him nothing could escape। अब आगे क्या देखता है वह, देखिए there was this cup this coat, देखिए उसको एक कोट दिखाई देता है, in the dark cupboard, और कपबोर्ड अलमारी में, और अलमारी कैसे पूरी डार्क है, डार्क अंधेरा है, उसमें उसे एक कोट दिखाई देता है, इन द साइलेंट रूम, एक साइलेंट कमरे में, इन द साइलेंट हाउस, साइलेंट हाउस में मतलब उसमें कोई नहीं, एक साइलेंट कमरे में, साइलेंट रूम के अंदर एक डार्क कपबोर्ड है जिसमें उसे कोट दिखाई देता है। देखिए कितना सिंबल है, एकदम नेगेटिव सेंस में इसको बता रहे हैं कि दुनिया कैसे एकदम वीरान हो गई है। देयर वाज दिस फेस, लेकिन वहाँ पे उन्हें फेस दिखाई देता है, स्मोकिंग इट्स सिगरेट, और वो अपना सिगरेट पी रहता है, बिटवीन द डस्क, और डस्क में विंडो एंड फायर इम्प्रेस, खिड़की पे उसे एक दूर से जब उड़ रहे हैं तो उसमें एक फेस दिखाई देता है जो सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, फायर इम्प्रेस, जैसे कि लोग घरों में पहले ठंडे रखता है तो घर में आग जला के रखते हैं विदेश लोग की, जिसे आप क्या कर चिमनी कह सकते हैं, वैसे उसको देख रहा है, नियर द फेस, उस फेस के नियर, दिस हैंड
मोशनलेस, और उस फेस के पास उसको एक हाथ दिखाई देता और हाथ में कोई मोशन नहीं है, वो हाथ बिल्कुल मोशनलेस है, उसमें कोई जीवन ही नहीं है। नियर द हैंड दिस कप, और उस हाथ के नज़दीक एक कप है, उस कप को देखता है। क्रो ब्लिंक, वो अपने आँखों को मलता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि वो क्या देख लेता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ही ब्लिंक, फिर आँखों को मलकाता है, नथिंग फेटेड, नहीं जो कुछ है सब सही है। वो अपनी आँखों को बार बार मलका के देख रहा था, कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ नहीं, सब सारी चीज़ें वास्तविकता हैं। बाद में वो कहता है ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, और उसे सारे सबूत को स्टेयर्ड को घोर घोर को देखता है, सारी चीज़ों को जो पहले देखता है। नथिंग एस्केप्ड, कुछ भी नहीं छूटी, सारी चीज़ों को देख चुका रहता है। नथिंग कुड एस्केप, अब कुछ भी नहीं छूटा, वह सारी चीज़ों को देखता है, कपबोर्ड, डार्क रूम, जूता, विदाउट सोल, इन सब चीज़ों को वो देख के बताता है कि सारी चीज़ें वास्तविक हैं, दुनिया कैसे बदल रही, उन चीज़ को दिखाता है। आज हमने टेड ह्यूज की इंपॉर्टेंट पोएम क्रो अलाइट पर बात की। ALT ग्रेट एग्जाम 2018 के अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी पोएम की किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँ। हाँ, थोड़ा मैं वीडियो डालने में लेट हो जा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, उस शेड्यूल से निकाल के मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वंस अगेन, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करें भाई, लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।